आप कह रहे हैं गहलोत हैं प्रसादी अंकल, हमारे मम्मी पापा डॉक्टर हैं, चोर लुटेरे वे कसाई नहीं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे मम्मी पापा मरीजों के लिए मतलब जनता के लिए दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, और उनको ही आप टीवी पे चोर लुटेरे बोल रहे हो तो गलत बात है ना। कौन कह रहा है चोर लुटेरे उनको? प्रसादी अंकल और गहलोत अंकल। RTH गलत है, हर किसी को राइट होता है ऑक्यूपेशन होने का, एंड सो टू डॉक्टर्स है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी आप मांगे रखोगे और वो डॉक्टर्स को पूरी करनी चाहिए, सबका अपना अपना वो होता है। एंड सेम गोज टू दिस ऑल्सो, ज़रूरी नहीं है कि हर आपकी जो इमरजेंसी वो एक्चुअल में इमरजेंसी हो, तो आप ज़बरदस्ती आके डॉक्टर के उसको नहीं कर सकते। हमारे स्कूल के टाइम से पापा अवेलेबल नहीं रहते थे कभी कभी, क्योंकि वो पेशेंट की सर्विस में लगे हुए रहते थे, तो शुरू से ही वो अभी तक वो चल ही रहा है। तब कोई राइट टू हेल्थ बिल नहीं था, पेशेंट की सेवा तब हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे कही गई है ओवर द फैमिली, फैमिली के ऊपर भी। तो अगर आज बच्चे सपोर्ट करें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं उसमें। हाउएवर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पेशेंट्स के बारे में डेफिनेटली सोचा जा रहा है, बट किसी और की बैक पे विद डेरोगेटरी रिमार्क्स की बुचर हैं या लुटेरे हैं, तो वो डेरोगेटरी रिमार्क्स गलत हैं बिल्कुल 100%। एंड मेरे पापा नहीं है डेफिनेटली बुचर, मैं जानता हूँ अपने पापा को। हेल्थ का मतलब है इधर फोर्थ लाइन में इधर लिखा है द स्टेट ऑफ बीइंग वेल एंड फ्री फ्रॉम इलनेस मेंटल एंड फिजिकल कंडीशंस। ओके, तो इधर आप कोई भी मुझे इधर बता दे कि इधर डॉक्टर या इमरजेंसी शब्द नहीं लिखा है। एंड अगर हम WHO की वेबसाइट पर जाके हेल्थ का मतलब देखें, उधर लिखा है कि सैनिटेशन प्लस आपका फूड एंड एनवायरनमेंट आप पे इतना वो निर्भर करती है आपके हेल्थ के लिए, नॉट ओनली डॉक्टर्स। तो ये जो कानून है ये सिर्फ डॉक्टर्स पे लागू क्यों हो रहा है?